जिसकी वजह से आज पाकिस्तान भर में मायूसी है और सरहद के उस पार खुशी मनाई जा रही है। चहल क्यों सीरियस है? हाँ? मैंने सही पकड़ा है ना। और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे, जो नृत्य होता है 42-43 मिनट पता ही नहीं चला, 43-44 मिनट्स की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इंटरेक्शन की है अपने प्लेयर्स के साथ, यकीन करें लग रहा था कोई बचपन के दोस्त बैठे हुए हैं। अभी जमीन फूटेगी और पाकिस्तान उसके अंदर खुदा न खास्ता दस जाएगा। या मैच जीता है, खुशी हुई या गमी हुई? फाइनल जीत गया, मैं तो गमी हुई। वो वीडियो तो सामने आया है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो इंटरेक्शन किया टीम इंडिया के साथ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वीडियो दैट इज। चहल का मजाक कर रहे हैं, विराट से बात कर रहे हैं, द्रविड़ से बात कर रहे हैं, अक्षर से बात कर रहे हैं, भला ऐसा लग रहा है कि फिंगर टिप्स पे। मोहम्मद सिराज ने पहले 3 मैच खेले थे यूएसए में, हम लोग फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खेल रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले इस टूर्नामेंट में। उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी जो उत्साह था बार बार देख के, कभी ऐसा नहीं उनका मुंह उन्होंने नीचे नहीं किया, और वो बहुत हमारे लिए और हमारी टीम के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी। मोहम्मद सिराज जब हैदराबाद में जब जाते हैं ना, हजारों की तादाद में लोग या रोड्स पे मौजूद होते हैं और मोहम्मद सिराज की गाड़ी के आसपास ऐसा लगता है भाई सब कोई जगह बची नहीं है, इतने ज्यादा लोग और वंदे मातरम जो गाते हैं लोग और बहुत ज्यादा इंडिया के फ्लैग्स उनके हाथों में होते हैं। इंडिया मैच जीता है, खुशी हुई या गमी हुई? फाइनल जीत गया, मैं तो गमी हुई। क्या वजह है यार, मतलब नेपर है हमारा, हमें तो गमी हुई है। किस लिए? हमारा पाकिस्तान जीतना चाहिए था। तो पाकिस्तान अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो देर नवाल ही नहीं आता क्रिकेट खेलने में। आपको खुशी हुई है इंडिया के जीतने से या हुई है? भाई खुशी हुई, उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली है, ये चीज देखे अच्छी खेली है उन्होंने। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान फाइनल जीतता तो 100% बात है, इधर हमें 100 गुना मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से भी इंडिया की क्रिकेट टीम बेहतर है। ठीक है, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, पूरा टूर्नामेंट चेक कर ले आप। ठीक है, देखा है आपने, अच्छी अनबीटन रहे हैं, कोई मैच नहीं, कोई मैच नहीं आ रहे। ठीक है, इसी वजह से उनका कॉम्बिनेशन अच्छा था। ठीक है, पाकिस्तान की टीम में बहुत से इख्तलाफात है, ग्रुप बंदी चल रही थी। ठीक है, कोई सबको पता है, पीसीबी को पता है, सबको पता है। अच्छा, आप जब हार के आए हैं तो बता रहे हैं कि ग्रुप बंदी चल, पहले नहीं इनको पता था? ये भी बात है, पहले इनको पता था ना इधर ग्रुप बंदी है, ये हम टीम ना भेजे। ठीक हो गया, या फिर अगर ग्रुप हार के आए हैं, पाकिस्तान का पैसा खर्च करके आए हैं, आप बता रहे हैं कि ये ग्रुप बंदी इंसल्ट करवा के आए हैं, ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा इंडिया के जीतने से दुख नहीं होना चाहिए, आप अच्छी क्रिकेट खेलते, आप जीत के आते, ये चीज है। ठीक है ना, अब वो जीत गए हैं तो ये क्या हुआ? ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप ही कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आप जो भाई आप ये कह रहे थे दुख हुआ, ये देखिए बड़े भाई ने बोला है कि यार क्रिकेट में अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो इसमें क्या गलत है? ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप सोच बदली के नहीं बदली? बदली है भाई, चले आपने कहा तो बदली है, ऐसे नहीं आपने नहीं कहा, आप नहीं सोचे, खुद सोचे क्रिकेट खेली है। ठीक है, ये सोच हमें सामने नतीजा है भाई, क्रिकेट खेली, मुझे ये बताएंगे हमें सोच बदलनी चाहिए कि नहीं, कि भाई वो दुश्मन है, उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, वो नहीं चाहिए यार, अपनी टीम को सपोर्ट करे। 42-43 मिनट पता ही नहीं चला, 43-44 मिनट्स की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इंटरेक्शन की है अपने प्लेयर्स के साथ, यकीन करें लग रहा था कोई बचपन के दोस्त बैठे हुए हैं और किसी गली मोहल्ले में बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं। यार एवरीबॉडी डिजर्व सच काइंड ऑफ अ पर्सन, ऑनेस्ट टू गॉड अजान हो रही थी थोड़ी देर पहले, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझे नसीब ना करे, तोबा तोबा तोबा। या इतना फ्रैंक गुफ्तगू, इतने मजे की गुफ्तगू, लग रहा है दोस्त अपने दोस्तों के साथ बैठा है। लकीरी रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान, दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले, बिगेस्ट पॉपुलेशन वाले देश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने हीरोज से बात कर रहा है। ये होता है अपने हीरोज को बढ़ के, यानी आगे बढ़ के उनको उससे भी ज्यादा देना जितना वो डिजर्व करते हो। एक तरफ खाली ट्राली ले जाते हुए ऑस्ट्रेलियन कप्तान है, एक तरफ लाखों का मजमा है, और उससे पहले हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो बुला रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं एक एक से बात, एक एक को, किसी को पराठे का बता रहे हैं, किसी को जनाब लस्सी का बता रहे हैं, किसी को जनाब हरियाणा का बता रहे हैं, चहल का मजाक कर रहे हैं, विराट से बात कर रहे हैं, द्रविड़ से बात कर रहे हैं, अक्षर से बात कर रहे हैं, भला ऐसा लग रहा है कि फिंगर टिप्स पे बंदे की, फिंगर टिप्स पे एक एक बंदे का जो नाम है
एक एक बंदे का नाम उसकी फिंगर टिप्स पे है। ये होता है बंदा, ना कोई रिटर्न है, कोई हाथ में पर्ची नहीं है। हमारा तो पर्ची ना ले तो आवाज नहीं निकलती, कोई पर्ची नहीं है। हर प्लेयर को जसप्रीत से पूछ रहा है, प्रेशर होता है। अक्षर के कैच का, सूर्या के कैच का, हार्दिक की बॉलिंग का, रोहित का मिट्टी को चाटने का। कह भी रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानी है और ये तो हम ही कर सकते हैं मिट्टी को चाटने। विराट से कह रहे हैं, द्रविड़ से कह रहे हैं, यानी एक एक बंदे को अगला पूछ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा मैच जो है, क्या बता भी रहे हैं कि मैं मैच देख रहा था, सिचुएशन जैसे बदल रही है। हर्षदीप के वालिद की बड़ी तारीफ की कि उन्होंने कहा पहले देश है फिर मेरा बेटा है। यार देखें बात यह, किसी को बुरा लगे किसी। When PM मोदी ही went into the dressing room of Indian players, तो जाहिर है हर किसी का चेहरा उतरा हुआ था कि पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट करते कराते और आखिरी वो जो फाइनल मैच है वहां पे वो जीते जीते बस वो नहीं जीत पाए, तो हर किसी का जरा उदासी थी, चेहरा लटका हुआ था और सारा वो वाला माहौल। बट ही वेंट टू उनको जरा बकअप करने के लिए, चलो ठीक है अच्छा खेले, फ्यूचर में अच्छा करोगे और आगे बेहतर हो जाएगा, तो वो वाली बात भी याद कराई फिर द्रविड़ ने। और उसके बाद फिर रोहित शर्मा की बारी, बाकी प्लेयर्स, विराट कोहली, सारा बहुत अच्छा और शानदार और एक लवली किस्म का इंटरेक्शन था वो। और देखिए वो टीम जो कि बिल्कुल किनारे पे होती थी, फाइनल सेमीफाइनल फाइनल सेमीफाइनल, तो अब वो 6-8 महीने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाउ ही सिटिंग देयर, बाकी सारी टीम भी मौजूद है और अब वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपका एक जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, मेहनत जारी रहनी चाहिए। फाइनल सेमीफाइनल वी अंडरस्टैंड, लेकिन बस आप एक स्टेप की दूरी पे हैं, फिर आप दूसरी पार पे एज अ चैंपियन बन के, अब वो इंटरेक्शन जो हो रहा था इट इज अमेजिंग, मजा आया सुन के। वो 35-40 मिनट का वो वीडियो है एंड अच्छा, बीच में थोड़े जोक्स भी क्रैक किए चाल पे इधर उधर, माहौल मतलब मजेदार एक एनवायरमेंट बना हुआ ना, एक जो इंटरेक्शन है ओवरऑल वो अच्छी शानदार वीडियो है। तो अब वो इंटरेक्शन जो हो रहा है वो चैंपियन टीम के साथ हो रहा है, तो ये दिस इज द डिफरेंस। और बड़ा एक मतलब टेंस वाला माहौल था लास्ट टाइम जब दे मैट, जाहिर है कि हारे हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो फाइनल है, लेकिन अभी ये जीती हुई टीम के साथ है, अच्छा है, चेहरे खिले हुए, कह कहे कुछ जोक वहां से, कुछ बात वहां से, कुछ ऐसा कुछ वैसा, और मजेदार वीडियो है। जब आईपीएल की धूम बजे,